माता मेरी सरस्वती धरूं आपका ध्यान, लाज बचा लो आए के करमात कल्याण। सती कथा करुणा भरी सुनो कहूं विस्तार, सौतेली माँ ने किया सुता पे अत्याचार। जय। आदर के पात्र श्रोतागण, इस धराधाम पर वास करने वाले कथा प्रेमी भाइयों व हमारी माता एवं बहनों, आज मैं त्रिमूर्ति कैसेट के सौजन्य से मैं आपको एक गमगीन कथा सौतेली माँ का अत्याचार की ओर लेके चल रही हूँ। तो आइए श्रवण करते हैं। जिला फरुखाबाद राखियो याद सभी सरदारी, संदलपुर नामक गांव में रहते थे नर और नारी। भाइयों, संदलपुर ग्रामक गांव में एक पति और पत्नी रहते थे। उनका नाम क्या था? अरे रहे नर नारी सुनो, नर नारी रहे नर नारी सुनो, नर नारी। अरे संदलपुर गांव में रहते थे नर और नारी। थोड़े दिन पश्चात रे बिटिया हुई यही बारी। थोड़े दिन पश्चात रे बिटिया हुई यही बारी। भाइयों, संदलपुर गांव जो फरुखाबाद जिले में पड़ता है, वहां सुंदरलाल अपनी पत्नी शीला के साथ रहते थे। कुछ दिन बाद शीला ने एक पुत्री को जन्म दिया। सुंदरलाल ने बहुत खुशी मनाई। इसी के बीच भाइयों हुआ क्या सुनो। सुंदरलाल के सुंदर सपने आज ईश्वर ने बिखराए हैं, आज ईश्वर ने बिखराए हैं। जीवन में आया अंधकार और गम के बादल छाए हैं। जीवन में आया अंधकार और गम के बादल छाए हैं। किस्मत फूटी नैया डूबी दुख के तूफान आए हैं, दुख के तूफान आए हैं। माता पिता स्वर्ग गए अब सुंदर मन घबराए हैं। अरे माता पिता स्वर्ग गए अब सुंदर दिल घबराए हैं। भाइयों, कुछ
दिनों के बाद सुंदरलाल के माता पिता का देहांत हो गया। भाई और सुंदरलाल का इस घटना से हाल बेहाल हो गया। अब तो दुख दरिया में गम के गोते खाने लगा। बेचारा सुंदरलाल अच्छी तरह से संभल भी नहीं पाया था भाइयों कि उस पर एक गम का पहाड़ और टूट पड़ा। और आगे हुआ क्या सुनो। यौवन अवस्था में शीला को डस गया काल निगोड़ा है। इधर सुंदरलाल के माता पिता का देहांत हो गया, इधर उसकी पत्नी का भी देहांत हो गया। अब तो सुंदरलाल घबराने लगा है। रंजो गम का संकट छाया बिदने भी मुखड़ा मोड़ा है। भाइयों अब तो उसके ऊपर बहुत दुख आने लगा है। चीख कर सुंदर ने चौखट से सिर को फोड़ा है। चीख कर सुंदर ने आज चौखट से सिर फोड़ा है। भाइयों बहनों विपद का मारा हुआ सुंदरलाल आज पागल सा होकर अपनी पत्नी शीला को झकझोर रहा है, रो रहा है, विलाप कर रहा है और क्या कह रहा है। सोई गई सुख नींद में सजनी, हाय अकेला छोड़ गई। बोल सुना दे उठ कर क्यों तू मुझसे मुकुड़ा मोड़ गई। तू नया नुपस
दिन भर में आई मुझसे मुकुड़ा तोड़ गई आज सुंदर पुराने दिनों की याद करके रुदन कर रहा है और कह रहा है कि एक दिन वो भी था कि लाल जोड़े में सुंदर गहनों में सजी आई थी, मगर आज गरीबी में मैं तुम्हारे लिए चंद पैसों का कफन भी नहीं ला सका। आज रोता जा रहा है और अपनी पत्नी की याद करके क्या बोला है, चम चम बोले पग की पायल बिखर गया सिंदूर मांग का कजरा महापर का रंगना बिखर गया सिंदूर मांग का कजरा महापर का रंगना कजरा महापर का रंगना मुझसे मुकुड़ा मोड़ गई भाइयों। आज सुंदरलाल अपनी पिछली बातों को याद करके रो रहा है। आज वो रोते रोते पागल सा हो गया है। उसका कर्ण क्रंदन सुन के जब गांव वाले आए हैं तो हुआ क्या, पुरबासी जोरी जोरी आए हैं सब, नर नारी घबराए हैं सब, देखकर गांव वाले सब रोने लगे हैं। सुंदर को दीन बंधाए हैं कछु आपस में बतराए हैं, भाइयों प्रवासी आ करके सुंदरलाल को धीरज बंधा रहे हैं, कह रहे हैं सुंदरलाल रो मत भाइयों। वहां की औरतें उस नादान बच्चे को देख देख कर कहने लगी हैं कि देखो ये लड़की कैसी है,
इसके भाग्य कैसे हैं? इसने आते ही अपनी माँ को खा लिया है, आज उस बच्चे को ताने दे रही है, कैसे? सुनो बाबा दादी मारी जी पादर भारी बनी हत्यारी, और 3 साल के बाद रे जन डसलीनी महतारी। अब तो गांव की औरतें आती हैं, जैसे ही दीपा को निहारती है तो कहती हैं ये लड़की के भाग्य कैसे हैं? अरे जब ये पैदा हुई थी तब तो इसने अपने बाबा और दादी को खा लिया, और जब ये 3 वर्ष की हुई तो इसने अपनी माँ को भी खा लिया। भाइयों, आज सुंदरलाल के घर में औरतें आती हैं और उस बच्ची को देख देख कर क्या कह रही है, सुनो। कुछ कहे औरतें ऐसे रे कुछ धीरा बांधा वे, कुछ तो औरतें आज उस लड़की के भाग्य को दोष लगा रही हैं, और जो कुछ औरतें आती हैं वो सुंदरलाल को समझा रही हैं। कुछ बार बार सुंदर पूरा रही है समझावे, कुछ बार बार सुंदर पूरे यदि समझावे, भाइयों। समय की गति बड़ी विलक्षण है, पुत्री पर इसने और ममता का दुलार देते हुए सुंदरलाल अपने शोक सागर से उबरने लगता है। बिटिया की तबीयत अक्सर खराब होने लगती है भाइयों, इधर वह पुत्री धीरे धीरे बढ़ने लगी है। एक दिन उसका मित्र गोपाल उसके घर आता है और कहता है, मित्र एक मेरी बात सुनो। और क्या बोला है? कहने लगा है कि भैया कर लो शादी दूजी मेरे बिरन, कर लो शादी दूजी मेरे बिरन, बात मेरी मानो बात मेरी मानो सही है कदन, कर लो शादी दूजी मेरे बिरन, ए कर लो शादी दूजी मेरे बिरन।
मित्र गोपाल समझा रहा है कि भाई अब तुम दूसरी शादी कर लो। और क्या बोला है, कब तक घुटने की जिंदगी जियो। बात मेरी मानो सही है कथन, बात मेरी मानो सही है कथन। जितने दुखी हो फिर तुम्हारे घर में खुशियाँ आ जाएंगी और दीपा बिटिया को भी मैया मिल जाएगी, तुम शादी कर लो। दीपा बिटिया को मिले महतारी, मुरझाया गुलशन खिलेगा समा। बात मेरी मानो सही है कथन, भाइयों। गोपाल जब सुंदर लाल को समझाता है कि कहीं भाभी की तरह इस भाभी की निशानी भी अपने हाथ से न चली जाए, इसलिए ये रो रो कर मर जाएगी, तो मित्र दू शादी कर लो। और भाइयों उसने गोपाल ने अपने मित्र को समझाया है तो सुंदर लाल ने अपनी बेटी की मुंह की तरफ देख करके उससे हाँ कह देता है। और भाइयों हुआ क्या, धूमधाम से सुंदरी की अब दूजी भई सगाई है। भाई बड़ी धूमधाम से सुंदर की शादी हुई है, धूमधाम से सुंदर की अब दूजी भई सगाई है। घर में मंगल चार भए और खूब हुई बड़ी सनाई है। अरे घर में घर में आई है। भाइयों देखिए प्रभु की लीला, फिर से सारा परिवार खुशियों से
आज झूमने लगा है। भाई हुआ क्या? हंसी खुशी से सुंदर के बीत गए कुछ साल, खुशियों में खुशियां बड़ी जब पैदा हो गया लाल। कथा प्रेमी माताओं बहनों, बेटा के पैदा होते ही और अधिक खुशी बड़ी है, मगर उमा जो सुंदर की जो पत्नी थी उसने पुत्र को बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने अपनी बेटी दीपा पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हुआ क्या? विधिगत अपरंपार, सुनो चितधारी प्रभु की माया, सुंदर पूरा हो न ख्याल रे दीपा का प्यार भुलाया। नरलाल के बेटा पैदा हुआ तो वो अपने बेटा को प्यार करने लगा है और दीपा की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं है। अरे के प्यारे बुलाया, के प्यारे बुलाया, के प्यारे बुलाया, के प्यारे बुलाया, सुंदर पूरा हो न ख्याल रे दीपा का प्यार बुलाया। चार रे सो तेली माने खाया, दीपा पे अत्याचार रे सो तेली माने धाया, धाया। भाइयों बहनों, पुत्र की प्राप्ति होते ही उमा की नजर बदल गई। अब तो वह दीपा पर प्यार की ममता न देकर उसे बोझ समझकर झेलने लगी। घर का सारा काम काज 8 वर्षीय दीपा पर लाद दिया। उमा दीपा को बात बात पर फटकारने लगी तथा थोड़ी थोड़ी सी गलतियों पर उसे मारने लगी, पीटने लगी। भाइयों, अब सौतेली माँ का अत्याचार यहाँ से शुरू होता है, तो दिखिए प्रभु की लीला। सीधी सादी कन्या रे दीना कबूल से होली रे, बाबुला पड़ी बे मोई बिजबा अपने पिता से कहने लगी है, पिताजी अब तो मैं पढ़ने जाया करूंगी, तुम स्कूल में मेरा नाम लिखवा दो। और क्या बोली? पीठ पे पसाकू लटका वे छो राजोरी पड़ी वे जावे, जैसे ही सुंदर ने अपनी पत्नी को बताया है तो अब तो उसकी पत्नी उमा उसे झगड़ने लगी है।
क्यों पिया बाबर हुई आई रे कहाँ कर तुम्हारी हुई आई रे भाइयों ओ माँ के इस तरीके से ये बातें सुनकर सुंदरलाल सोचने लगा कि जिस दीपा की खुशी के लिए मैंने ये दूसरी शादी की थी उसी दीपा के लिए मैं इतना नहीं कर सकता हूँ कि सुबह दीपा को क्या मैं जवाब दूंगा। अभी ये मुझसे लड़ रही है, जब मैं ये दीपा को बताऊंगा तो वो अपने दिल में क्या सोचेगी। भाइयों जब सुबह दीपा जागी तो देखा बापू घर पर नहीं थे और उमा ने उसे पास बुलाया और कहा कि तेरा बापू कहीं मुश्किल से बाहर गया है, तेरा पेट पालने के लिए पैसा कमाने के लिए गया है। भाइयों वो खेत पर चला गया था और ऐसे में वो कहां से उसे पढ़ाने के लिए पैसा लाता और वो आज माँ समझा रही है। दीपा माँ की बात सदा दिन रात ही हमें सहती, सहे उलटे सीधे जुलबौर ना मुख से कछु कहती। आज उसकी माँ कह रही है कि घर में खाने के लिए अनाज नहीं है तो पढ़ने की बात करती है, तेरा बाप तेरा पेट भरने के लिए खेत पर काम पर गया है। मेहनत पे संभाली अष्ट की थाली निर्जर बहती है निर्जर बहती, दिल ही दिल में रोई रोई के दीपा घर में सहती। भाइयों आज वो सौतेली माँ दीपा पर बहुत अत्याचार करती है, आज दीपा कैसे सहन कर रही है। कभी मार परे दुधकार परे दीपा पे अत्याचार रे करती है सौतेली मैया। बीमार परे दुधकार परे दीपा पे अत्याचार रे करती है सौतेली मैया। आज भाइयों वो सौतेली माँ दीपा पर बहुत अत्याचार करती है, सुनो। भैंस को सानी दे दीपा चौका को रही भी दीपा का ख्याल नहीं रखती थी, जाड़ों में भी दीपा एक ही साथ में घर का सारा काम करती रहती थी, मगर आज उस दुखिया को कोई यह पूछने वाला नहीं था कि तुझे सर्दी लग रही है या नहीं। एक दिन की बात है कि उमा ने दूध की बाल्टी अपने हाथ में ली और दुकान पर दूध देने के लिए जब चली तो हुआ क्या, लेकर दूध जाई रही दीपा गिरी है ठोकर खाई।
और उसका दूध फैल गया है। लता पता प्यार खून से हुई गलती है और चिल्लाई अरे हाथी है और चिल्लाई ना ब्याज गई चुप साध गई दंडों से पड़ती मार रे कर ती है सौतेली मैया अत्याचारी रे करती है सौतेली मैया भाइयों भाइयों आज दूध भर जाता है तो कराती हुई दर्द तथा पीड़ा को सहन करके लड़खड़ाती हुई जो अब अपने आंगन में पहुंची है तो उस माँ ने जैसे ही उसको देखा है तो कहने लगी ये दूध कैसे फैला है। तो दीपा ने सारी बात बताई है लेकिन भाइयों उसने विश्वास नहीं किया और आज वो दीपा को मारने लगी है डंडों से बहुत जोर से मार रही है। दीपा करा रही है कह रही है माँ 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 मुझे मत मारो माँ 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 मुझे मत मारो। आज दीपा बहुत जोर से रो रही है चीख रही है लेकिन वो माँ माँ बिल्कुल नहीं सुन रही है। आज उस सौतेली माँ ने उस पर कितना अत्याचार किया है आज वो बेटी रो रही है उस बेटी से झूठे बर्तन साफ करवाती है। एक दिन हुआ क्या है भाइयों जब वो सौतेली माँ दीपा पर अत्याचार करती है तो दीपा को अपनी माँ की याद आती है और याद करके आज वो फूट फूट के रोने लगी है। कैसे सुनो कर कर याद माता अपनी की दीपार धन मचाओ जब दीपा की सौतेली माँ दीपा पर अत्याचार करती है तो आज वो अपनी मैया की याद करके फूट फूट के रोने लगी है। कर कर याद माता अपनी की दीपा रो धन मचाओ हाय नसीबा मेरो फूट प्रभु कह के न दिखाओ भगवान मेरा ये कैसा भाग्य है मैंने जन्म लेते ही अपनी माँ को खा लिया मेरा ये कैसा भाग्य है प्रभु इससे तो मैं मर जाती वो अच्छा था। भाग्य की हथिया जो मारती मैया लड़ने ने खाई दे और धरनी ने कपट जाई अब भाग्य समाई
कुछ दिनों के बाद दीपा को अपने भैया की याद आती है, सोतेले भैया राजू की। एक दिन हुआ क्या, एक दिन की बात, खुशी के साथ समय लहराओ पढ़ करके ननिहाल से घर पूरा जुआ। भाइयों, उमा का लड़का यानी दीपा का सौतेला भाई जब ननिहाल से आता है, अरे भैया, जैसे ही बहन ने भैया को देखा है, हुआ क्या, लखी भैया के नहीं ना बहन भाई, मंगन का मन हर साओ के मन हर साओ, और सैंडल स्वेटर करे के भैया बहन बुलाओ। सज्जनों, एक लंबे अरसे के बाद दीपा का सौतेला भाई राजू जब ननिहाल से पढ़कर आता है तो दीपा के लिए सैंडल फ्रॉक और स्वेटर लाता है, तो दीपा आज इतनी खुश थी बहुत ज्यादा। भाइयों, मगर माँ का जैसे ही उसने चेहरा देखा है तो आज दीपा घबराने लगी है और राजू से कहती है, भैया ये माँ को अच्छा नहीं लगा। भाइयों, दीपा ने आज जैसे ही अपने हाथ में कपड़े पकड़े हैं तो उसकी माँ ने उन कपड़ों को छीन लिया है। और भाई, थोड़े ही दिन हंसी खुशी से गुजरे, एक दिन राजू ननिहाल वापस चला जाता है। वैसे तो वह भोले बाबा के मेले को देख करके जाता, मगर इस बार वह जल्दी ही वापस ननिहाल चला जाता है। तो भाई, हुआ क्या, राखी के त्योहार पे मेले के अब सर आया। रक्षाबंधन पर जब मेला लगता है तो वहाँ पर राजू नहीं था, वो अपने ननिहाल में था। भाइयों, महाराज दुखी था राजू सुख के साथ, और बिन बहन की राखी के था सुना सुना हाथ, पंचो राजू सोचे आज बंधाऊ कैसे मैं राखी, भैया राजू सोचे आज बंधाऊ कैसे मैं राखी। कैसे मैं राखी बंधाऊ कैसे मैं राखी, भैया राजू सोचे आज का भैया। भाइयों, जब रक्षाबंधन का दिन आया है तो आज दीपा को अपनी भैया राजू की याद सताती है, और वो अपनी माँ के साथ में, जब उसी गांव में मेला लग रहा था तो अपनी माँ के साथ गई। और भाइयों, वो सौतेली माँ जब मेला देखने के लिए गई तो दीपा को एक पत्थर की शिला पर बैठा के चली गई, कहने लगी, दीपा तू यहीं पर बैठना, मैं मेला देख के आती हूँ। भाइयों, इधर वो भैया बड़ा परेशान था, कहने लगा कि आज अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी बहन बहुत परेशान होगी। उधर से भाइयों, राजू आ जाता है और दीपा की आंखें बंद कर लेता है, तो दीपा ने पहचान लिया कि ये मेरा भैया है, और अपने भैया के गले से लिपट गई और रोने लगी, कहने लगी, भैया भैया मैं कितनी अभागिन बहन हूँ जो तेरे लिए, मुझ पर इतने पैसे नहीं है कि मैं राखी खरीद सकूं। भाइयों, आज राजू ने अपनी बहन के लिए राखी खरीदी
और कहा, ले बहन तू मेरे हाथ में राखी बांधे। भाइयों, उस बहन ने भैया की कलाई में राखी बांधी है और जितनी भी उसे वस्तु की जरूरत थी सब दीपा को दिलवा दी और दीपा से कहा, बहन, और एक मीठे का डिब्बा भी था, कहा, बहन तू माँ से मत कहना कि भैया मेले में आया था, अगर तू माँ को बता देगी तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं, वो मुझे मारेगी। दीपा तुझे मेरी कसम, तू माँ को मत बताना। दीपा, दीपा मैं जा रहा हूँ, तू माँ को मत बताना। इतना कहकर के वो भैया वहां से चला जाता है और हुआ क्या, मेला को जब देख कल दीपा घर गई आए, हाथ मिठाई देख कर उमा पड़ी अल्लाह। जैसे ही दीपा के हाथों में मिठाई का डिब्बा देखा, अरे भैया, कहने लगी है कहां से लाई है, और क्या बोली, ओ लुची साच बताई दे, ओ बेहमोई समझाई दे, कौने दिलाए लड़ुआ तोई। आज तो सौतेली माँ कहने लगी है, बोलिए लड्डू तू कहां से लाई है, और भाइयों मारने लगी है, बताई दे तू लूची बदकार बनायो कौन सो तेने यार, तू कब से बेहा बनी चिनार, लगी कसम, आज वो बहन पूरी कर रही है। उसने अपनी भैया की खातिर अपने ओर नहीं खोले, उसने मन में विचार कर लिया कि मैं मर जाऊंगी लेकिन अपने भैया को नहीं बताऊंगी। आज वो माँ बहुत अत्याचार कर रही है उसके ऊपर। सुनी दीपा की तीख पुकार इकट्ठी भई पड़ोसी नारी, जैसे ही दीपा की चीख सुनी है तो वहाँ की जो उसके पास में औरतें रहती थी वो सब आ गई और कहा, कहने लगी है, का देगी बहन जान से मारी, का देगी बहन जान से मारी, तू जा को ब्याह रचाई दे, कौने दिलाए लड़ुआ कोई, तू जा को ओ बेहामोई बताई दे, ओ बेहामोई बताई दे, कौने कथा पर यहीं पर विराम लगाती हूँ और आगे की कथा हमारे वॉल्यूम नंबर 2 में सुनेंगे।